दोस्तों, जब कोई टेली का फ्रेशर स्टूडेंट्स या अकाउंट का फ्रेशर स्टूडेंट्स किसी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस कंपनी में उसे टेली सॉफ्टवेयर में या विजी सॉफ्टवेयर में कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो वहां पर उसे कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन से संबंधित सब इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिलअप हो जाती है, कंपनी नेम में कंपनी का नाम फिलअप हो जाता है, मेलिंग एड्रेस में स्टेट वगैरह, पिन कोड सब कुछ फिलअप सही तरीके से कर देता है। लेकिन उसके सामने टेली के फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट है जिनके पास कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं था, अगर उसे कोई कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो इस डेट को लेके होता है भी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म में कौन सी डेट डालनी चाहिए और बुक बिगनिंग फॉर्म में कौन सी डेट को फिलअप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो और आपको वहां पर कोई वाउचर दे दिया जाए तो आप उस वाउचर की डेट को देख के किस तरीके से अपने टेली सॉफ्टवेयर में ये फाइनेंशियल ईयर जो डेट का सिलेक्शन करोगे। तो दोस्तों, अलग अलग सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग तरीका होता है फाइनेंशियल ईयर पूछने का। कईयों में ओनली फाइनेंशियल ईयर बुक्स पूछा जाता है, कईयों में बुक्स की डिटेल है जो नहीं मांगी जाती है। तो आपको मैं कुछ एक अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म में कौन सी डेट है जो सही तरीके से डालनी चाहिए वाउचर को देख के। तो दोस्तों, अगर आप टेली के फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, अकाउंट्स को आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके से टैली और अकाउंट से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जब बात आई इस फाइनेंशियल ईयर की डेट को सिलेक्शन करने के लिए, तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो उसे हम हिंदी में वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसकी जो एंडिंग होती है वो 31 मार्च को होता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने कौन सा वाउचर है, कौन सी डेट का है, तो आप उस वाउचर की डेट को देख के अपना फाइनेंशियल ईयर जो सिलेक्ट करोगे। अब मान लीजिए आपको मैं 3 अलग अलग एग्जांपल के साथ बताऊंगा भी आप डेट को देख के किस तरीके से अपना फाइनेंशियल ईयर जो सिलेक्ट करोगे। अब आपके पास ये इस तरीका इनवॉइस दे दिया जाए भी हमारे पास एक ही इनवॉइस है और आपको इसी इनवॉइस का कंपनी क्रिएट करनी है और इसी इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही अपना फाइनेंशियल ईयर जो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस इनवॉइस पे जो आप डेट देख रहे हो, उसकी डेट है जो 2/3/2021 यानी कि 2 मार्च 2021 है। तो दोस्तों, अभी जैसे हमने देखा था कि जो एंडिंग होता है वो हमेशा 31 मार्च को होता है और इस वाउचर पे जो डेट लगी है वो 2021 की है, 3rd महीना है और 2 तारीख है। तो यानी कि अभी इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होना है वो 31 मार्च को एंड होना है, 31 मार्च 2021 को एंड होगा। यानी कि अगर 31 मार्च 2021 को अगर होगा, मान लीजिए हमने 31 मार्च 2021 को होगा, तो ये स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल से। अब कौन से अप्रैल से होगा? अब 31 मार्च 2021 है, तो यानी कि 31 मार्च 2021 को ये सेशन है जो एंड होगा। तो इसका मतलब जो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 अप्रैल 2020। यानी कि अब ये 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है जो ईयर है जो, और इसके एंडिंग अब 31 मार्च 2021 को हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस वाउचर की डेट को देख के इसका सिलेक्शन हम कर लेते हैं। और एक वाउचर आपके पास ये भी है, इस पर जो डेट लिखी हुई है 25/4/2020 यानी कि 25 अप्रैल 2020 है। तो यानी कि अब जो स्टार्टिंग ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से होता है और इस पर जो डेट जो लगी हुई है वो है 25 तारीख यानी कि 25 अप्रैल 2020 की डेट है। तो 25 अप्रैल की जो डेट है अभी, इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट कब से हो चुका है? 1 अप्रैल 2020 से, और ये सेशन कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 तक। तो यानी कि हम इस फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलेंगे? 2020-21 यानी कि ये हमारा सेशन रहेगा। तो अब हमें इसकी जो डेट अगर डालनी पड़े इन दोनों वाउचरों को देख के, तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 1/4/2020 की। अगर आपके पास ये वाउचर आ जाए तो आप इस वाउचर पे डेट देख रहे हो 25/3/2020 की है। तो यानी कि अब इसका जो फाइनेंशियल ईयर जो एंड होने वाला है वो 31/3/2021 को होगा। अब 31/3/2021 को अगर इसका सेशन एंड होता है 31 मार्च 2021
20 को अगर सेशन एंड होता है तो इसका स्टार्ट कब से हो चुका है फिर? 1 अप्रैल 2019 से। तो हम इस फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलेंगे, 17 इसका जो 2019 वे सेशन बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर ये वाउचर आपको दे दिया जाए भी, इस वाउचर को देख के आपको फाइनेंशियल ईयर डेट सेलेक्ट कर दिए, तो इस कंडीशन में आपको जो डेट यहां पर डालनी है वो 1 अप्रैल 2019 सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये बात तो थी फाइनेंशियल ईयर की डेट को लेके। अब सेकेंड ऑप्शन आता है आपके पास में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब हो गया भी आपने आपके जो बिजनेस है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कब से लिखी जा रही है। तो दोस्तों ये यहां पर हमें डेट बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करनी है। अब ज्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते थे 31 मार्च 2020 को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की जो डेट होती है टेली सॉफ्टवेयर में 31 मार्च जो है जो एंडिंग डेट होती है वो कहीं भी नहीं लिखी जाती, ओनली केवल स्टार्टिंग ईयर ही लिखा जाता है। तो बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब हो गया भी आपका जो बिजनेस है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब से लिखी जा रही है। अब मान लीजिए आपने सेशन तो शुरू कर दिया 1 अप्रैल 2019 से, लेकिन आपका जो बिजनेस है आपकी जो फर्म है वो काफी यानी कि 2019 से पहले की रजिस्टर्ड हो चुकी है। आप 2019 से पहले भी इसमें मैनुअली काम करते थे, लेकिन पहली बार आप कंप्यूटराइज्ड वर्क कर रहे हो। तो इस उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो डेट देंगे वो 1 अप्रैल 2019 ही सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए अब जैसे आपका कोई डेट है और बिजनेस आपने शुरू किया भी, जैसे कि आप इस अगर वाउचर को हम देखें भी 25/3/2020 को, यानी कि आपने 25/3/2020 को ही बिजनेस शुरू किया है और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हो ही चुका है, तो यहाँ पर ऊपर वाली डेट में तो 1/4/2019 की डेट ही आएगी। अगर आपका बिजनेस जो इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग अगर 25/3/2020 को हुआ है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 25/3/2020 की डेट है जो सेलेक्ट करोगे। तो दोस्तों अब ये 25/3/2020 डेट ले नहीं रहा क्योंकि मैं इसको एजुकेशनल मोड पे रन करूं। अब मान लीजिए आपके पास अगर डेट यहाँ पर कोई 31/3/2020 का, तो आप यहाँ पर 31/3/2020 को सिलेक्ट करोगे तो ये डेट आसानी से ले लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा भी अगर आपने बुक्स ऑफ जो आपने बुक्स बिगनिंग फॉर्म की जो डेट है वो आपकी बिजनेस स्टार्टिंग की जो डेट है उसकी फाइनेंशियल ईयर के बाद में आपने शुरू किया, यानी कि 1/4/2019 के बाद की डेट है, तब तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर दोगे। अदरवाइज आपका बिजनेस पुराना चल रहा है 2017, 2016, 2015 से चल रहा है, तब उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे जो डेट है वो 1 अप्रैल 2019 ही रखनी है। अगर आप फिर भी अगर आपका जो बिजनेस 25/3/2020 को स्टार्ट हुआ है और उस कंडीशन में अगर आपकी डेट है जो 1 अप्रैल 2019 रह जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने जो वर्किंग स्टार्ट करनी है, जो आपने वाउचर मेंटेन करने है वो तो तीसरे महीने से शुरू करने है, तो जो पहले की जो मंथ है वो बिल्कुल खाली रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस कंडीशन में अगर आपने 25/3/2020 हम डेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग वाउचर है वो 25/3 से ही शुरू करेगा। अगर हम 24 मार्च को अगर कोई एंट्री करना चाहें टेली सॉफ्टवेयर में तो वो उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इन दोनों डेट का ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल ईयर यानी कि हमारे कौन से सेशन का हम अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, तो हमें उस वाउचर पे देख के उस डेट को देख के हमें सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में जो बुक्स बिगनिंग फॉर्म है, तो बुक्स बिगनिंग फॉर्म में आप कोशिश यही करो भी जो आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है वही डेट आप इस बुक्स बिगनिंग फॉर्म में रख दो। आपको 31/3 की जो डेट है वो टैली सॉफ्टवेयर में कहीं भी नहीं लिखनी है। तो दोस्तों ये एग्जांपल आकर आपको मैं बिजी सॉफ्टवेयर का दिखाऊं, तो बिजी सॉफ्टवेयर में भी सेम यही पोजीशन आपसे पूछता है जब आप टेली बिजी सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हो उस वक्त। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म और बुक कम्युनिकेशन फॉर्म की जो डेट है वो भी यहाँ से आपसे पूछता है भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर आप कौन से ईयर का अकाउंटिंग वर्क कर रहे हो, और उसके बाद में आपका जो बिजनेस की जो स्टार्टिंग डेट है, बुक्स की जो डेट है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब से मेंटेन करना शुरू किया है, तो वो आप डेट यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज आप कोशिश यही करो भाई जो फाइनेंशियल ईयर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वही आप इस डेट में दो, लेकिन यहाँ पर भी आपको 31/3 का डेट है जो नहीं देना है। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस मार्क सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों मार्क सॉफ्टवेयर में जब फाइनेंशियल ईयर जब सेलेक्ट करना होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट है और उस फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग डेट है 31/3 की, वो भी हमें यहाँ पर देनी पड़ती है मैनुअल रूप से। अब मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/20 से लेके 31/3 का है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली डेट टाइप करनी पड़ेगी 1/4/2020 और यहाँ पर फिर आपको 31/3/2021 आपको टाइप करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने जो फाइनेंशियल आप बुक्स जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो सेशन 2018-19 का कर रहे हो, तो आप यहाँ पर 1/4/2018 करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1/4/2020 ही आ गया,
तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा 31/3/2000, 31/3/2019 की डेट आपको यहाँ पर मैनुअल रूप से इस सॉफ्टवेयर में डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे केवल बिजनेस की जो ये जो फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्ट है वो ही पूछा जाता है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम नहीं पूछा जाता। जैसे कि आप मार्क में देख रहे हो यहाँ पर जो बुक्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर नहीं पूछी है, केवल फाइनेंशियल ईयर की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें टाइप करनी होती है। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर में अलग अलग जो पूछने का जो तरीका होता है डेट्स का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर है जो हर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए हमें वाउचर को देख के थोड़ा सा केयरफुली हमें ध्यान में रखना है भाई हमें कौन सी डेट का वाउचर हमें मिला है और उसका एंडिंग है जो कौन से साल में होना है, तो वो स्टार्टिंग कब से हुआ है। तो आपको यहाँ पर इसी को फाइनेंशियल ईयर नहीं मानना है भाई, अगर आपको ये बोला जाए भी आप इस वाउचर को देख के ही एंट्री करो आपको यही फाइनेंशियल ईयर डेट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 2/3/2021 कोई फाइनेंशियल ईयर डेट होती नहीं है। फाइनेंशियल की जो डेट होती है स्टार्टिंग वो 1 अप्रैल ही होती है, वो 1 अप्रैल 2020 हो सकता है, 1 अप्रैल 2019 हो सकता है, 1 अप्रैल 2018 हो सकता है। तो जो स्टार्टिंग है वो 1 अप्रैल से ही होती है और उसके बाद में अगर आपको कह दे भी ये जो डेट है ये हमें बुक्स बिगनिंग इस तारीख से हमने बिजनेस शुरू किया है, तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई बोला जाए तो वो डेट आप इस बुक्स बिगनिंग फॉर्म में लिख सकते हो। अदरवाइज आप जो फाइनेंशियल ईयर की जो डेट 1 अप्रैल 2019 सेलेक्ट करते हो तो कोशिश यही करो भी आप बुक बिगनिंग डेट में भी वही रख दो। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।